आज हम आपके लिए वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है 75 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म। जब भी आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो उससे आप क्या फाइंड आउट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या फाइंड आउट किया जाता है इन चार ऑप्शन में से? तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो 25 से 30% होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको वाटरमेंट रेशियो जो होता है उसका पता लगाते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर कॉन्स्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट एग्रीगेट रेशियो है। इफ कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ सैंड, मेंटेनिंग टोटल एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉन्स्टेंट, देन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट इज। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है, उसको हमें वैसा ही मेंटेन रखना है, लेकिन हमें एक चीज़ करनी है। हमें क्या चीज़ करनी है कि भाई जो सैंड है उसकी जगह हमें एक जो एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट उसको रिप्लेस कर देना है, उसको यूज़ कर देना है। तो हमारा जो टोटल सर्फेस एरिया होगा एग्रीगेट का वो क्या होगा? तो टोटल एग्रीगेट का जो एरिया होगा, सर्फेस एरिया, वो कम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, फॉर इन ए कम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट, इफ कम्पैक्शन वैल्यू इज लेस देन 90.95 एंड ग्रेटर देन 0.88, देन द स्टैंडर्ड ऑफ वर्केबिलिटी इज। स्टैंडर्ड ऑफ वर्केबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जब भी आपकी कम्पैक्शन की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई 0.85 से लेकर 0.92 के बीच में होती है, 0.85 से लेकर 0.92 के बीच में होती है, तो वो मीडियम का केस आता है। यहाँ पर लेकिन 88 दिया है और 95 दिया गया है, इट मीन्स कि भाई वैल्यू जो है 80 से ऊपर है और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस केस में हमारा मीडियम ही बनेगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वैल्यू जो है आगे पीछे प्रोवाइड की हुई है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है लेकिन ऑप्शन में आपको थोड़ी बहुत आगे पीछे दी होती है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी हुपर कंसिस्ट ऑफ कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑपरेटर्स। हाउ मेनी हुपर जो होते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में, कितने हुपर होते हैं? कंपैक्शन फैक्टर की जब भी बात आप करेंगे तो इसके लिए होपर या फिर हुपर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऑप्शन दो कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्लंप टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन डैश ऑफ कंक्रीट। स्लंप टेस्ट जो होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? कंक्रीट की वर्केबिलिटी, जो काम करने की क्षमता जो होती है, योग्यता जो होती है, उसको ये फाइंड आउट करता है। तो वर्केबिलिटी जो होती है वो हमेशा ही एमएम में मेजर की जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए आगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वहाँ पर आपको जैसे कि वैल्यू दी होगी 25 एमएम में नहीं होगा, लिखा नहीं होगा एमएम, लेकिन आपको वो देख लेना है कि समझ लेना है कि भाई वो वैल्यू एमएम में दी गई है, क्योंकि स्लंप जो होता है वो हमेशा ही एमएम में ही मेजर किया जाता है। अगला देखिए, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कौन सा वो फैक्टर होता है? तो जो फैक्टर नहीं इफेक्ट करते हैं वो तो यहाँ पे नहीं दिए गए, क्योंकि ये भी करता है भाई, ये भी करता है, ये भी करता है, तो नन ऑफ दीज हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट यूज फॉर जजिंग द एग्रीगेट फॉर दियर डिजायरेबल प्रॉपर्टी एंड सुटेबिलिटी ऑन रोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट, नॉट ए टेस्ट, तो वो वीवी टेस्ट होता है, क्योंकि ये होते हैं यहाँ पर एग्रीगेट को जज करने की बात हो रही है। तो एग्रीगेट रोड की जब भी आप बात करेंगे तो ये टेस्ट आप करेंगे, लेकिन ये जो होता है वर्केबिलिटी से रिलेट करता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो ये होंगे, बाकी डी आंसर नहीं होगा। अगले देखिए, व्हाट डू वी नीड टू डू व्हाइल डिजाइनिंग एन एयर इंट्रेन कंक्रीट। हमें क्या करना चाहिए भाई, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है भाई? अभी एयर इंट्रेन कंक्रीट आपको बनाना है, यानी कि हवा वाला आपको कंक्रीट बनाना है, उसमें हवा भी प्रेजेंट होगी, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपको कम ही रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो आप कम रखेंगे तो उससे जो कंक्रीट होता है उसमें वॉइड्स बने रहेंगे, ताकि उस वॉइड्स में हवा वगैरह रह सके। प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो जो होता है एग्रीगेट का, वो भी आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे रिड्यूस होना था, स्पेलिंग मिस्टेक है, रेड नहीं है, रिड्यूस, वो भी कम रखना पड़ता है। उसके बाद अलाउंस फॉर इंट्रेन इज मेड। तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि भाई जो हवा होती है उसके लिए अलाउंस बनाई जाती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एयर इंट्रेन जो होता है वो सीमेंट में मिलाया जाता है, जैसे कि चर्बी हो गई, साबुन हो गया, तेल हो गया, तो ये एयर इंट्रेनिंग की तरह काम करते हैं। तो ये सीमेंट के भार का 0.05% से लेकर 1% सीमेंट में एयर इंट्रेन ऐड किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय। वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो मेजर की जा सकती है स्लंप टेस्ट के द्वारा भी, कंपैक्शन के द्वारा भी, बीवी टेस्ट के द्वारा भी, एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर द सेल्फ कंपैक्टिंग कंपैक्शन कंक्रीट हैज स्लंप वैल्यू। सेल्फ
कंपैक्शन कंक्रीट होता है, जिसको आप खुद से कंपैक्शन करते हैं, उसकी जो स्लंप वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्लंप वैल्यू इज कितनी होती है। जो सेल्फ कंपैक्शन कंक्रीट होता है उसकी जो बर्किटिविटी होती है बहुत ही हाई होती है, तो उसके लिए स्लंप वैल्यू जो होती है वो 100 से 150 mm के बीच में होती है। तो यहाँ पे 100 हमारे पास ऑप्शन दिया है, सी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द टेस्ट विच इज नॉट यूज टू मेजर द बर्किटिविटी ऑफ कंक्रीट इज कोल्ड डैश टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट होता है। तो ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एक फ्लो टेस्ट भी होता है, वो भी कर सकता है, फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है बर्किटिविटी को फाइंड आउट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो बर्किटिविटी होती है कंक्रीट की, उसको मेजर करने के लिए आपको किस आई स्कोर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो एक तो हो गया हमारे पास 4, 5, 6, इसमें तो मिल ही जाएगी आपको। एक हो गया इंडियन स्टैंडर्ड का 5, 1, 6 एंड एक हो गया 1, 1, 9, 9। ये कोड आप याद रखिए, क्योंकि 1199 में जो है एक तो बार शायद एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आई स्कोर स्लंप वैल्यू ऑफ कंक्रीट यूज इन ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क फॉर बीम एंड स्लैब एक्सेट्रा इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में होती है स्लंप वैल्यू। ये सारी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि भाई एमएम में ही होती है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। किसके लिए पूछ रहा है भाई, आरसीसी वर्क फॉर बीम एंड स्लैब के लिए। तो यहाँ पर आरसीसी एंड बीम के लिए पूछा गया है, स्लैब के लिए तो उसके लिए होती है 50 से 100 स्लंप वैल्यू होती है, 50 से 100 mm की वैल्यू होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला देखिए, द स्लंप ऑफ कंक्रीट यूज फॉर हैंड प्लेस पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड बाई इंडियन स्टैंडर्ड एज, स्लंप जो होता है कंक्रीट का जो कि आप यूज करते हैं हैंड प्लेस्ड पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, वो क्या होता है। तो वो 25 से 75 mm का होता है, 25 से 75 mm, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्किटिविटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी इंप्रूव बाय, सीमेंट कंक्रीट की बर्किटिविटी आपको अगर बढ़ानी है, इंप्रूव करनी है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको आप यूज़ करके बर्किटिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक तो होता है वाटर को बढ़ाकर, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो उससे भी बर्किटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सीमेंट बढ़ाएंगे तब भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड हमारे पास जो इंग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट के, उनका आकार जो होता है उसको भी आप बढ़ाएंगे, साइज़ बढ़ाकर भी आप बर्किटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड एक होता है अगर आप जो फाइन एग्रीगेट होते हैं, फाइन जो होते हैं एग्रीगेट, उनको थोड़ा सा घटाएंगे, उनकी मात्रा जो होती है क्वांटिटी, तब भी आपकी बर्किटिविटी आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो उससे तो आपकी बर्किटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, घटेगी किससे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राउंडेड से याद आता है कि एंगुलर आप यूज़ करेंगे तो आपको बर्किटिविटी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज़ के लिए बोला है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, बर्किटिविटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव बाय, सेम वही क्वेश्चन, मोर सीमेंट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपैक्टिंग ऑफ कंक्रीट इज डन टू, कंपैक्टिंग जो आप करते हैं कंक्रीट की वो करते हैं किस लिए की जाती है। कंपैक्टिंग ऑफ कंक्रीट इज डन टू रिमूव द एयर बबल्स, एयर बबल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे कंक्रीट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट प्रोवाइड एंड एस्टिमेट बर्किटिविटी ऑफ कंक्रीट, डज नॉट प्रोवाइड एंड एस्टिमेट बर्किटिविटी ऑफ कंक्रीट, कौन नहीं प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक लिमिट जो होती है ये नहीं प्रोवाइड करता है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग द बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, नॉट यूज, बर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए आप किसको यूज नहीं करते हैं। सिंपल है, ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली द एयर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंक्रीट आफ्टर फुल कंपैक्शन इज अचीव इज टर्म एज, उसको आप क्या बोलते हैं। तो मान के चलो कि आपने कंक्रीट कहीं पर स्लैब डाला है, वहाँ पर आपने फुल कंपैक्शन कर दी है, कंपैक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी भाई उसमें क्या है, हवा बच रही है, उस कंक्रीट स्लैब के अंदर हवा बच रही है, तो उस हवा को आप किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम जानते हैं इनट्रैप्ड एयर, इनट्रैप्ड एयर के नाम से आप जानते हैं, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगर आपके कंक्रीट में 1% भी हवा बची हुई है, फंसी हुई हवा बची हुई है, तो आपकी स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो 5% तक कम हो जाएगी, सीधे ही 4 गुना ज़्यादा कम हो जाएगी स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपैक्शन फैक्टर फॉर हैवली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन इज, कंपैक्शन फैक्टर जो होता हैवली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन इज, वो कितना होता है, 0.85 से 0.92 होता है हैवी सेक्शन के लिए, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में बोल रहा है कि हायर बर्किलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज, हायर बर्किलिटी आपको कब चाहिए कंक्रीट की, इफ स्ट्रक्चर इज, आपका स्ट्रक्चर कौन सा होगा तब आपको चाहिए, जब हमारा स्ट्रक्चर जो होता है थिन एंड हैवी रेनफोर्स वाला होगा तब आपको हायर बर्किलिटी चाहिए होती है कंक्रीट के लिए, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कि बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय,
वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय, तो आप उसको कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत स्टेटमेंट हमें चूज करनी है यहाँ पर। सो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बॉटम एंड टॉप एंड जो होता है स्लंप मोल्ड का, वो पैरेलल होता है ईच अदर, एक दूसरे के। बॉटम एंड टॉप एंड जो होता है स्लंप मोल्ड का, वो पैरेलल ही होता है एक दूसरे के, बिल्कुल सही बात है। एक्सिस जो होता है मोल्ड का, वो परपेंडिकुलर होता है एंड फेस के, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल सर्फेस जो होता है मोल्ड का इज कैप्ट क्लीन, वो बिल्कुल ही साफ रखा जाता है एंड फ्री होता है सीमेंट से, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड लास्ट पॉइंट यही गलत हो जाएगा, मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, ये बिल्कुल गलत है। हेक्सागोनल नहीं होता, ये सर्कुलर शंकु टाइप का इसकी मोल्ड की जो फॉर्म होती है वो बनी हुई होती है, इसलिए डी गलत होगा, बाकी सारे ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला कि स्लंप ऑफ 50 से 100 mm तो कैन बी यूज फॉर, किसके लिए यूज़ की जाती है। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया है भाई, किसके लिए 50 से 100 mm का स्लंप यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है बीम एंड स्लैब के केसेस में, बीम एंड स्लैब के केसेस में ये स्लंप वैल्यू यूज की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कंपैक्शन जो फैक्टर होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट टू द मास ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट। पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट, इनके आधा कंपैक्ट किया हुआ कंक्रीट एंड फुल कंपैक्ट किया हुआ कंक्रीट का जो मास होता है उसको कंपैक्शन फैक्टर से आप डिफाइन कर सकते हैं, इनकी ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हैविंग द कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.95। 0.95 अगर कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू है तो इन चारों में से आप उसको क्या बर्केबिलिटी, किस बर्केबिलिटी के नाम से जानेंगे, हाई, लो, मीडियम या फिर किसी भी नहीं। तो अगर कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू 95 है तो वो हाई में आता है, 92 जो होता है उसके लिए मीडियम में वो केस आता है, तो ऑप्शन ए आंसर इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर गिवन बर्केबिलिटी द ग्रेड रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वन दैट गिव्स, वो हमें क्या देता है, लीस्ट सरफेस एरिया फॉर गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट के लिए, लीस्ट सरफेस एरिया हमें देता है दिए हुए सीमेंट एंड एग्रीगेट के लिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, इन स्लंप टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय स्टील रोड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर, कितने टाइम्स जो है ईच लेयर जो होती है उसको कंपैक्ट किया जाता है स्टील की रोड से, जिसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है एंड डायमीटर 16 mm का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो 25 बार जो है उसकी कुटाई की जाती है, कंपैक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैक्शन इज इन कंक्रीट, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट का वो क्या होता है, कंपैक्शन का जो मेन मोटिव होता है करने का, कि भाई हमें जो हवा होती है उसको बाहर निकालना होता है, मैक्सिमम डेंसिटी हमें चाहिए होती है एंड कंक्रीट एंड जो स्टील वगैरह होता है उसमें कॉन्टैक्ट जो है वो बन सके, बोन जो होता है वो भी बन सके। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इल्यूमिनेट होल्स, एयर होल्स, बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी भी हमें चाहिए भाई, प्रोवाइड इनी इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटीरियल, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये हमें बताना है अब, कौन सी गलत स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है, क्योंकि बर्केबिलिटी जो होती है, पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि वो बर्केबिलिटी आपको इंप्रूव करनी है तो पानी आप ज़्यादा डालेंगे, पानी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, भाई पानी बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, बाकी ऑटोमेटिकली सही हो रहे हैं। कंक्रीट फॉर विच प्रीलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोलर कंक्रीट, जिसके ऊपर प्रीलिमिनरी टेस्ट किया जाता है उस कंक्रीट को आप कंट्रोलर कंक्रीट के नाम से जानते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड्स ऑन द फाइननेस ऑफ ग्रेन, बिल्कुल सही बात है, बल्किंग जो होती है सैंड की वो फाइननेस ऑफ ग्रेन जो होती है उस पर डिपेंड्स करती है। सो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही ऑप्शन हैं। अगले देखिए, स्लंप टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द बर्केबिलिटी, जो होती है वो की जाती है ताकि वो बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड आउट कर सके, चेक कर सके। नेक्स्ट भी सेम वही क्वेश्चन है, बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द बर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश सीमेंट कंक्रीट, नॉट ए टेस्ट, इन चारों में से वो कौन सा टेस्ट नहीं है जो कि एस्टिमेट नहीं करता है बर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश सीमेंट कंक्रीट की, फ्रेश सीमेंट कंक्रीट की। कैलिबोल टेस्ट भी किया जाता है, बीबी टेस्ट भी किया जाता है भाई, कंपैक्शन टेस्ट भी किया जाता है, स्लंप टेस्ट भी किया जाता है, फ्लो टेबल टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन ये रैपिड क्लोराइड पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है वो नहीं किया जाता है। पेंट्रेशन टेस्ट जो होता है ये सिंपली एग्री हाईवे में यूज किया जाता है, जिसको जो बिटुमेन वगैरह होती है उसके ऊपर ये किया जाता है ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए, जो ग्रेड होता है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज कॉल्ड
फ्रेशली मिस। ये एच पी जेई में एक दो बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, एस एस सी जेई में, यू पी एस सी जेई में और बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको आप ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, वी वी कंसिस्टोमीटर इज यूज टू फाइंड ऑफ कॉन्क्रीट। वी वी कंसिस्टोमीटर जो होता है आप उसको यूज़ करते हैं ताकि वो फाइंड आउट कर सके कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी, काम करने की जो योग्यता होती है, क्षमता। स्लम्प टेस्ट इज यूज फॉर वर्केबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम कंपैक्टिंग फ्रैक्शन टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट, व्हाट इज ऑब्टेन। सिंपल क्वेश्चन है भाई, वर्केबिलिटी आप ऑब्टेन कर सकते हैं कंपैक्शन से भी। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, कौन सा सही है। यहाँ पर हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, कौन सा सही है। बिल्कुल सही बात है, हायर वर्केबिलिटी जो होती है इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ सैंड, रेत की कमी। बिल्कुल सही बात है, इफ कंक्रीट मिक्स इज ड्राई, कंक्रीट जो है वो ड्राई है, स्लंप जीरो होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे ही ऑप्शन भाई सही ऑप्शन हो है। अब देखिए, इन ट्रेन एयर इन कंक्रीट। अब एक वर्ड होता है इन ट्रैपड, इन ट्रैप, और इन ट्रेन, इन ट्रेन भाई, इन ट्रेन एयर, इन ट्रेन, इन ट्रैपर, इन ट्रैप, यानी कि इन ट्रैप जो होता है फंसा, ट्रैप क्या होता है फंसा, फंसी हुई हवा और जो उपस्थित होती है, इन ट्रेन एयर, तो उपस्थित है हवा भाई कंक्रीट में, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि भाई बर्केबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। बर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप इन ट्रेन एयर एजेंट जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। कंक्रीट की अगर आप बात करेंगे तो 5% से ज़्यादा हवा जो है हमारे कंक्रीट में नहीं होनी चाहिए, ये आईएस कोड ने कहा कि भाई 5% से ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ स्लंप मोल्ड आर। टॉप डायमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। बॉटम डायमीटर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, 10, 20, 30, क्योंकि हमसे क्या पूछा है सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक किस्म का डायग्राम से ही समझाया है, तो इसको आप याद रखिए। इसको नहीं पता है वैसे, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वन इंटेंड टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज। इफ वन इंटेंड टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, द प्रिफर्ड शेप ऑफ द एग्रीगेट इज, जो प्रेफर्ड शेप होती है वो राउंडर की होती है, यही हमें देता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट चूज करनी है कि भाई कौन सी सही है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में सीग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर वर्केबल कंक्रीट के लिए। सो अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी डज नॉट इफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये भी गलत है। इफ स्लम्प इंक्रीज वर्केबिलिटी डिक्रीज, ये भी गलत है। ऑप्शन नन ऑफ द एबव, कोई भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर गिवन वाटर कंटेंट, दिए गए पानी कंटेंट जो है, वर्केबिलिटी डिक्रीज इफ द कंक्रीट एग्रीगेट कंटेन एंड एक्सेस ऑफ, कंटेन एंड एक्सेस ऑफ, क्या ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए आंसर रहेगा थिन पार्टिकल, फ्लैट पार्टिकल, इलोंगेटेड पार्टिकल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी जो होती है कंक्रीट की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एग्रीगेट शेप पर, एग्रीगेट ग्रेडिंग पर, सर्फेस एरिया ऑफ द ग्रेडिंग, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट सॉरी द टेस्ट मोस्ट सूटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी इज, द टेस्ट मोस्ट सूटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी इज, वो कौन सा टेस्ट होता है वेरी लो के लिए, तो वो वीवी टेस्ट होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, वेरी लो वीवी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंक्रीट हैविंग ए स्लंप ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेट टू बी, स्लंप की जो वैल्यू होती है वो भाई एमएम में ही मेजर की जाती है, लेकिन जो बोर्ड बोर्ड वाले होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 6.5 का मीनिंग क्या है, 65 mm है, 65 mm है, तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए। तो इसके लिए हमारा प्लास्टिक आंसर रहेगा, अगर आपकी स्लंप वैल्यू जो है वो 50 से 100 के बीच में है, 50 mm से 100 के बीच में, यानी कि 65 बीच में आ रहा है, तो वो प्लास्टिक स्टेट होती है, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होती है। एंड डिग्री ऑफ बर्केबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो वो होती है मीडियम वाली, मीडियम होती है भाई। एंड ये यूज़ किया थी मैंने आपको पीछे भी बताया था क्वेश्चन में, बीम एंड स्लैब के लिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। स्लंप टेस्ट इज ए मेजर ऑफ डैश, किसको मेजर करता है स्लंप टेस्ट जो होता है, स्लंप टेस्ट जो होता है वो कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर देखिए, इफ द स्लंप ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 6 सेंटीमीटर इज, स्लंप जो होता है वो 60 mm का है या फिर 6 सेंटीमीटर का है, तो वो क्या होता है, तो वो मीडियम होती है भाई। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा।
जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप याद रखिए, 60 सेंटीमीटर किसके बीच में आता है, 50 से 100 के बीच में, या 75 से 100 के बीच में भी आता है, तो एक वैल्यू यहाँ पर भी बन रही है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये वैल्यू जो होती है वो मीडियम वर्केबिलिटी के लिए ही होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपैक्शन फैक्टर अपरेटस इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। कंपैक्शन फैक्टर अपरेटस जो होता है आप उसको यूज करते हैं ताकि वो मेजर कर सके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट को मेजर करने के लिए, तो वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर बर्केबिलिटी नहीं दिया गया तो आपका आंसर कंसिस्टेंसी ही होगा। नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है कंक्रीट की, वो इंप्रूव की जा सकती है बाय किसके द्वारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो किसके द्वारा इंप्रूव की जा सकती है, एज के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आयु बढ़ने के साथ साथ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कंपैक्शन फैक्टर जो होता है 0.95, द बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज, बर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो हाई होती है, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, स्लम्प वैल्यू फॉर आर्क एंड साइड वॉल, आर्क एंड साइड वॉल जो होती है उसके लिए, साइड वॉल किसकी, टनल की, उसकी स्लम्प वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी स्लम्प वैल्यू होती है 90 से 100 mm होती है, 90 से 100 के बीच में होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैटेलाइज बर्केबिलिटी ऑफ पेमेंट कंक्रीट के लिए, तो वो होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, कंक्रीट स्लंप रेकमेंडेड फॉर बीम एंड स्लैब अकॉर्डिंग टू IRC, बीम एंड स्लैब के लिए कौन सा स्लंप जो है वो रेकमेंड किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, वैसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे इसको आंसर लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको ये बताया है बीम एंड स्लैब के लिए, लेकिन ये बीम एंड स्लैब के लिए कब कौन से केसेस में होगा, जब हमारा जो कंक्रीट होगा अति प्रबलित होगा, अति प्रबलित होगा उस केसेस में आपका 50 से 100 होगा, लेकिन सिंपल अगर आपसे कंक्रीट स्लंप वैल्यू पूछेगा IRC के अकॉर्डिंग तो उस केसेस में हमारा आंसर 30 से 125 mm का स्लंप होता है। ऑप्शन सी इस केस में आंसर हो जाएगा, लेकिन अति प्रबलित की जब बात आएगी तो उसके लिए 50 से 100 आएगा। ये हमारा IS कोड 456:2000 के अकॉर्डिंग होती है वैल्यू, ये वाली 50 से 100 जो होती है ये हमारे IS कोड कहता है भाई, लेकिन IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा। ये दोनों में कंफ्यूजिंग मत होना आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, एक कंपैक्शन फैक्टर क्या है हमारे पास, 0.87 इंडिकेट द बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, 87 है हमारे पास तो वो क्या होती है, मीडियम होती है, 0.88 से लेकर 0.92 तक हमारी क्या होती है, मीडियम ही होती है। नेक्स्ट में देखिए, बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कंक्रीट बाय स्लम्प टेस्ट इज एक्सप्रेस एज, बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लंप टेस्ट इज एक्सप्रेस एज, स्लंप से आप MM में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था MM में आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले देखिए, कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M40, कंक्रीट मिक्स है उसका ग्रेड क्या है, M40 है, इज टू बी यूज फॉर रोड के पेमेंट सर्विस के लिए यूजिंग पेवर मशीन, रेकमेंडेड स्लंप रेंज एज पर हमारे IS कोड इज, तो वो 25 से 75 होता है, 25 से 75 सड़क का पेमेंट सर्विस होता है उसके लिए स्लंप वैल्यू यूज की जाती है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रेड वगैरह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मे बी यूज फॉर गेटिंग ए मोर वर्केबल कंक्रीट, क्या मेथड है भाई, कौन सा मेथड है, वाटर सीमेंट रेशो आप यूज करेंगे, सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे, सीमेंट को बढ़ाएंगे वाटर को बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी आपकी ज़्यादा मिलेगी आपको। नेक्स्ट में देखिए, वाई कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लंप शुड नॉट एक्सीड, जब भी आप कंक्रीट की कंपैक्शन कर रहे होते हैं मैकेनिकल वाइब्रेटर से तो स्लंप जो होता है वो 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, इनके 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ग्रेडिंग ऑफ सैंड काउज ग्रेट वेरिएशन इन, ग्रेडिंग जो होती है सैंड की वो आपको वेरिएशन देता है किसमें, बर्केबिलिटी में, स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट में, इन सभी में देता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सैंड इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मैक्सिमम, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो किसमें मैक्सिमम होता है, एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड जो होता है इसमें मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, हायर वी बी टाइम्स शो लोअर बर्केबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, हायर स्लम्प शो हायर बर्केबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, हायर कंपैक्शन फैक्टर स्लो हायर बर्केबिलिटी, सो नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, क्योंकि सारे ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लंप कोन इज यूज प्राइमरी टू प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्रीट, स्लंप कोन जो होता है आप उसको यूज करते हैं प्राइमरी टू प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्रीट, तो वो स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी जो होती है उसकी इंडिकेशन देता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी सही है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी सही है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट बर्केबिलिटी इंक्रीज, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा है, पानी बढ़ाएंगे, सीमेंट बढ़ाएंगे, फाइन एग्रीगेट जो होते हैं उसको घटाएंगे आपकी बर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, राउंडेड एग्रीगेट आप यूज़ करेंगे आपकी बर्केबिलिटी बढ़ जाएंगी, तो बिल्कुल सही बात है, बर्केबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन लार्ज साइज, ये गलत है।
डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है यहाँ पे, तब हम मान जाते हैं, बल्कि एबिलिटी डज नॉट इफेक्ट बाय साइज ऑफ, ये इसे इफेक्ट करती है, ये भी गलत है। स्मॉल रेशियो सीमेंट एंड एग्रीगेट गिव्स गुड वर्किबिलिटी, ये भी सही है। सो एक एंड ए एंड डी सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बर्क की एबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, वाटर सीमेंट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है, एंड उसकी ग्रेडिंग जो होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है, इन दोनों की होती है, बाकी किसी के नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, बर्क की एबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे ग्रेडिंग ही दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सीग्रीगेशन इन द कंक्रीट वेन, सीग्रीगेशन इन द कंक्रीट वेन कब होता है, सीग्रीगेशन कंक्रीट में, जब कोर्स जो होते हैं एग्रीगेट, हमारे पास कोर्स एग्रीगेट ट्राइज टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनल मिनरल, तब आपको सीग्रीगेशन देखने को मिलती है, ये वन हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे बी होना था यहाँ पे, वन पता नहीं कैसे आ गया। नेक्स्ट देखिए, स्लंप टेस्ट इज फॉर फाइंडिंग आउट द बर्केबिलिटी इन कंक्रीट, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड, मैक्सिमम साइज होता है वो कितनी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 38 mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब अगला देखिए, लो बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म टू ए स्लंप ऑफ, लो जो होती है 25 से 75 को आप एक्सप्रेस करें, यहाँ पे 76 लिखा है, कोई बात नहीं, 25 से 75 होती है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय, कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग फ्लैकी एग्रीगेट, डिक्रीज कोर्स एग्रीगेट, फाइन इंक्रीज करेंगे, ये कुछ ऑप्शन भी बेकार जैसे, सॉरी ये गलत है, ये होता है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट, और भी बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे कि पानी इंक्रीज करना है, सीमेंट इंक्रीज करना है, कुछ इस तरह के पॉइंट हैं, वो भी आपको पता होने जरूरी है। रेकमेंडेड स्लंप फॉर पंपर कंक्रीट के लिए, पंपर कंक्रीट के लिए जो स्लंप होता है वो कितना होता है, वो 4 से 6 इंच का होता है, पंपर कंक्रीट के लिए 4 से 6 इंच लिया जाता है। उसके बाद देखिए, हैंड प्लेस्ड पेमेंट के लिए स्लंप जो होता है कंक्रीट का वो क्या होता है, रेकमेंडेड स्लंप फॉर कंक्रीट फॉर हैंड प्लेस्ड पेमेंट के लिए 1 से 3 होता है, 1 से 3 तो इंच नहीं दिया गया यहाँ पे, लेकिन हमारा 1 से 2 तो दिया गया है, इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा, 1 से 3 इंच, यानी कि 25 से 75 mm का वो बनता है, ये भी आप याद रख लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन RCC सेक्शन विद कॉन्जेस्टेड रेनफोर्समेंट कंपैक्शन फैक्टर इज, कंजेस्टेड रेनफोर्स कंपैक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 0.95 का होता है, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 73 क्वेश्चन, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।